स्टूडेंट्स क्लास ECD 2 टुडे इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट मैथ। स्टूडेंट्स आज हम रीड करते हैं पेज नंबर 44 पे क्या है हम आज रीड करेंगे। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा। फोर इक्वल पार्ट्स मतलब चार हिस्से हों वो एक दूसरे के बराबर हों हम उसको कहते हैं फोर इक्वल पार्ट्स। इक्वल मीन्स बराबर, पार्ट्स मीन्स हिस्से, चार हिस्से हों वो एक बराबर हों एक दूसरे के। स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमें एक रेड एप्पल दिया गया है, ये इनका कंप्लीट शेप है। अब जब हम इस एप्पल को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें ये शेप मिलेगा, ठीक है। एक इसके इसके कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4। देखिए फोर पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं, बराबर भी हैं। तो इसका एक हिस्सा क्या कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है। क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा। देखिए ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये फोर इक्वल पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये क्या है, वाटरमेलन। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें तरबूज का एक कंप्लीट शेप दिया गया है। जब हम इनको कट करेंगे क्वार्टर शेप में फोर इक्वल पार्ट्स में तो ये शेप आ जाएगा। इसके कितने पार्ट्स हैं, देखें 1 2 3 4, इनके फोर पार्ट्स तो हैं लेकिन एक दूसरे के इक्वल हैं। देखें आप बताएं, ये एक दूसरे के इक्वल्स हैं मतलब एक दूसरे के बराबर हैं। ये एक इसका हिस्सा क्या कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है। क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा, फोर्थ का ये चौथा हिस्सा है, ठीक है। अब आते हैं हम पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 पे हम क्वेश्चन रीड करेंगे। पहले टेक द फ्रूट्स दैट इज कट इनटू क्वार्टर्स। यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्रूट्स दिए गए हैं और हमें टिक उन पे करना है जो क्वार्टर शेप में कट किए गए हैं। स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमें एप्पल दिया गया है, ये क्या है, क्वार्टर शेप में है। देखें इनका शेप जो है क्वार्टर है, तो हमें टिक किस पे करना है, जो है ना क्वार्टर शेप है ना उस पे टिक करना है। देखें यहाँ पर एप्पल जो दिया गया है वो क्वार्टर शेप में है। अब यहाँ पर देखें स्ट्रॉबेरी तो दी गई है हमें, लेकिन ये हमें ये दो स्ट्रॉबेरीज हैं जो हमने हाफ शेप में कट की है। देखें ये एक स्ट्रॉबेरी है उनको हाफ शेप में कट किया गया, ये दूसरी स्ट्रॉबेरी इसको भी हाफ शेप में कट किया गया, लेकिन ये फोर पार्ट नहीं है उसके, क्वार्टर शेप नहीं है इनकी, तो इस पे हम टिक नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज माने नारंगी। देखें ऑरेंज की शेप जो है ना क्वार्टर शेप है, ये फोर पार्ट्स इक्वल हैं, 1 2 3, ये फोर पार्ट्स हैं, इक्वल भी हैं और ये क्वार्टर शेप में भी हैं, हम इस पे भी टिक करेंगे। ये यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पीच। पीच मीन्स आड़ू। देखें ये आड़ू है लेकिन कौन से शेप में कट किया गया है, ये हाफ शेप में कट किया गया है, हाफ है, एक का हाफ हाफ शेप किया गया है, तो यहाँ पर भी हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वार्टर नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है, वाटरमेलन। वाटरमेलन का कैसा शेप है, कौन सा शेप है, ये हाफ शेप है। वाटरमेलन को कट किया गया है हाफ शेप में, ये भी क्वार्टर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर ये क्या है, लेमन। लेमन तो है लेकिन हमें ये देखना है ये इक्वल पार्ट्स है, ये क्वार्टर शेप है। देखें 1 2 3 4, ये इसके फोर पार्ट्स भी हैं और इनकी शेप भी सेम है और इनकी साइज भी सेम है, ये क्वार्टर शेप में भी है तो हम इस पे भी टिक करेंगे। स्टूडेंट आज हमने यहाँ पर क्या सीखा, टिक द फ्रूट्स दैट कट इनटू क्वार्टर, उस फ्रूट पे टिक करें जो क्वार्टर शेप में कट किए गए हैं। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 45 कंप्लीट हो चुका है। नंबर 46 पे अब जो है हमें पेज नंबर 46 पे क्या दिया गया है, द लाइन्स टू डिवाइड द शेप्स इनटू क्वार्टर्स। हमें लाइन्स ड्रा करनी है और डिवाइड करना है हमें शेप्स को किस में, क्वार्टर शेप्स में। स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमें सर्कल दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, ये रेक्टेंगल दिया गया है, ओवल दिया गया है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी
रेक्टेंगल की है। अब इन शेप्स को हमें क्या करना है, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्वार्टर शेप में डालना है। तो यहाँ पर हम बीच में सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर ये हाफ शेप हो जाएगा जब इसके सेंटर में इस साइड। अब यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे, देखें इनके क्वार्टर शेप बन गए। देखें इनका ये एक हिस्सा क्या है, क्वार्टर शेप में कहलाएगा, क्या है, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर। सेम ही तरीके से ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, फोर इक्वल पार्ट्स में हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया है। अब आते हैं हम स्क्वायर पे, सेम ही तरीके से हम इनको भी क्वार्टर शेप में डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये हाफ शेप बन जाएगा इनका। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये इनका क्वार्टर शेप बन जाएगा, ये फोर पार्ट्स इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वल हैं, ये भी है क्वार्टर शेप है, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा। तो सेम ही तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर मैं खुद लाइन ड्रा नहीं करूँगी, आप खुद जो है ना यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे और बताएंगे क्वार्टर शेप कैसे बनता है। यहाँ पर देखें रेक्टेंगल में भी यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे, फिर हम यहाँ से भी लाइन ड्रा करेंगे, ये फोर इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। और ओवल में भी सेम ही तरीके से हम यहाँ पर भी लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे तो ये फोर इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। और रेक्टेंगल भी सेम तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर में भी यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर भी फोर इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या सीखा, ड्रा द लाइन्स टू डिवाइड द शेप्स इनटू क्वार्टर्स। हमें लाइन ड्रा करनी थी और शेप्स को क्वार्टर शेप में लाना था। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पेज नंबर 46 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर जो है ना क्वार्टर शेप समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी एक एक्टिविटी करनाते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमने यहाँ पर एक शीट ली है, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी ऑफ कट फ्रूट इनटू क्वार्टर शेप। यहाँ पर हमें एक एप्पल दिया गया है और इस एप्पल को हमें कट करना है फोर इक्वल पार्ट्स में, क्वार्टर शेप्स में। देखें यहाँ पर हमें एक ये कंप्लीट शेप दिया गया है एप्पल का। जब हम इनको हाफ से कट, बीच में से कट करेंगे तो ये एक हाफ शेप बन जाएगा। देखें ये इनका हाफ शेप बन गया, ठीक है, लेकिन हमें इनको फोर इक्वल पार्ट्स में कट करना है। तो जब हम यहाँ से इनको भी कट करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ इसका, और अब इसको भी कट करेंगे तो ये इनका हाफ शेप बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें एक एप्पल लिया था, हमने उनको क्वार्टर शेप में कट किया है फोर इक्वल पार्ट्स में। देखें स्टूडेंट्स, देखें ये एक दूसरे के इक्वल है, बराबर कट किए गए हैं, लेकिन इसके एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वार्टर, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा। यहाँ पर भी सेम तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा। सेम तरीके से यहाँ पर हम क्वार्टर लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्वार्टर, ठीक है। तो ये हमने फोर इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया। देखें वन वन टू थ्री फोर। स्टूडेंट हमें ये देखना है ये फोर पार्ट्स तो हैं, लेकिन ये इक्वल हैं या नहीं है, आप बताएंगे ये इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल्स हैं क्योंकि ये हमने बराबर कट किए हैं। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमने कौन सी एक्टिविटी की है, कट फ्रूट्स इनटू क्वार्टर शेप्स। आई होप के आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वार्टर शेप कैसे होता है। हमने एक एप्पल लिया, उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, और उसको एक हिस्से को हमने क्या कहा, क्वार्टर शेप। तो ये इनका क्वार्टर शेप है। आई होप के आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्वार्टर शेप्स कैसे होता है। सेम तरीके से आपको घर में इसकी एक्टिविटी करनी है, एक एप्पल लेना है, उसको कट करना है फोर इक्वल पार्ट्स में, क्वार्टर शेप्स में। आपका यही लेसन ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।